रहे थे, वहां बतला रहे थे कि वहां से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें कंपटीशन हो रहा है। वो तो स्वयं ही बातें कर रहे थे कि वैसे कंपटीशन हो रहा, वो उनके पास से गुजर रहा था, उनके पास गया, कहाँ हो रहा है, कौन से गांव में है, उन पर ले एड्रेस। ने बोला रात तीन पहुँच गया, रात का था, उसी समय पहुँच गया 4-5 किलोमीटर, एक दो साथी नोर लेकर वहाँ फदर फदर पैदल गया खेतों में से, और वहाँ सारी रात बकवाद सुनी, रेत में पड़िया भूखा प्यासा, वापस आ गया सवेरे। तो इस मन की ऐसी वृत्ति है, अच्छे काम का कितने तो सुनाई नहीं करता, और जो बेमतलब की बात ना तुरंत ग्रहण कर ले। अब आप जी को कोई हम कहते हैं कि ये कार्य नहीं करना, श्राद्ध नहीं निकालने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तीर्थों पर नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा की तरफ से निषेध है, वहाँ वो वस्तु नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो इस बात को नहीं स्वीकार करता। और कोई साधना कर रहा है, एक सोमवार का व्रत रखता है कोई, और उसको कह दे कि अगर शुक्रवार का व्रत रखे तो और ज़्यादा पुण्य है, वो शुक्रवार का प्रारंभ कर देता है। यदि कोई जाता है बाबा श्याम जी के, बालाजी जाता है, उसको कह दे कि श्याम जी के वहाँ जाने से बहुत लाभ है, वहाँ भी पहुँच जाएगा। और कोई क्रिया कह दे कि इस मंत्र के जाप से बहुत लाभ होता है, वो भी शुरू कर देता है। और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान की तरफ जिसको कहते हैं कि ये साधना छोड़ दो, ये साधना करो, को नहीं सुनता, ये मन है कत्ती नहीं मानता। अब उसके विषय में क्या बता रहे हैं, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मत दे दी है बालम बैरेनू, आत्मा रो रही है कि भगवान इस मन के साथ बांध दिया मेरे को, ये अच्छी वस्तु गहरी वस्तु को नहीं सुनना चाहता, बकवादों में शिखर लग जाता है। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, 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 संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझे शब्द जो गैरेनू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझे शब्द जो गैरेनू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरेनू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थलिया खेती बोवे ये भूल रहे नज डेरे नू, ऊंची थलिया खेती बोवे ये भूल रहे नज डेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे। अब इसके अंदर बहुत निष्कर्ष दिया है कि ये मन यानी आम व्यक्ति की तरफ भी संकेत है कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गैरेनू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना बुझे सतगुरु मेरेनू।
अब मुर्दे पूजन की आदत बन गई, जैसे कोई संत मर गया, मृत्यु होगी, उसकी एक यादगार बनाई, उस पर माथा टेकन लाग गए, कोई बात हुई है। अब क्या बताते हैं, जैसे कोई वैद था, वैद की मृत्यु होगी, बहुत अच्छा वैद था, नाड़ी नबज पकड़ के बीमारी बता देता था, अच्छी औषधि देता था, स्वस्थ कर देता था। अब वैद की होगी मृत्यु, अब उसकी किसी ने यादगार बना दी हो, उसकी मूर्ति भी रख दे उसमें, अब वहाँ कोई व्यक्ति जावेगा, क्या वो मिट्टी का वैद उसको कोई दवाई बता देगा? नहीं। तो हमने वैसा ही वैद ढूंढना पड़ेगा जो जीवित हो, और वो फिर नब्ज देख के औषधि बताएगा। इसी प्रकार इन झूठे गुरुओं ने हमें गलत मार्गदर्शन करके हमारी बुद्धि को पत्थर बना दिया, पत्थर पुजवा के हम सोच नहीं सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये पत्थर की मूर्ति बुरी नहीं, जिस मूर्ति से आप लाभ चाहते हो, मूर्ति नहीं दे सकती, उस वो मूर्ति वाला दे सकता है। जैसे आपने श्री विष्णु जी की मूर्ति बना रखी है, वो मूर्ति आपको लाभ नहीं देगी, विष्णु जी लाभ दे सकते हैं। अब जैसे सेब की मूर्ति बना रखी हो, बहुत सुंदर मूर्ति बना देते हैं पत्थर की, और उस सेब की मूर्ति तो सेब के गुणों से परिचित कराती है, ये मूर्ति जिसकी है उसमें ऐसे गुण हैं, तो उस सेब को प्राप्त करना पड़ेगा, ना कि उस पत्थर की मूर्ति सेब के साथ मत्था पचाई करने से लाभ होगा। उस सेब की मूर्ति को देखने से उनके गुणों का ज्ञान होता है, यह कैसी है, मीठी है, और फिर उस सेब को ढूंढना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, वो कैसे मिलेगी, उसके लिए पहले मजदूरी करनी पड़ेगी, 10 रुपये जेब में डालने पड़ेंगे, फिर मार्केट में जाकर सेब पुकारनी पड़ेगी, जो सेब मिला। ऐसे ही यदि आप विष्णु जी की पूजा करते हो तो उस पत्थर की मूर्ति से कुछ नहीं होगा, विष्णु जी प्राप्त करना पड़ेगा, कैसे मिलेंगे वो, उनका एक मंत्र है जो दास आपको देता है, शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सुविधाएं हमें इनके माध्यम से मिलेंगी, इनकी मजदूरी हमने करनी है, पूजा नहीं करनी है। पूजा आदर और पूजा और मजदूरी में बहुत अंतर है। हम पूजा करेंगे अपने इष्ट की, और साधना हम करेंगे, जैसे मजदूरी करेंगे इनकी भी, क्योंकि जैसे हम यहाँ काल के लोक में आ गए हैं, और जैसे कोई विदेश चला जाओ और वहाँ उसको कोई नुकसान हो जाओ, फैक्ट्री वगैरह लगा रखी हो, तो उसकी कनेक्शन भी कट जाता है, बिजली का, पानी का कनेक्शन भी कट जाता है, और भी बहुत सी असुविधाएँ उसको हो जाती हैं, तो फिर उसको पुनर्चलाए बिना उसकी फैक्ट्री नहीं चले। तो कोई जानकार व्यक्ति, कोई अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति उन महकमों को जाकर गारंटी देता है, इसके कनेक्शन जोड़ दो, मैं इसका गारंटर बनता हूँ, तो पुनः उसकी वो कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं, फिर वो मजदूरी करके उनके टैक्स भर के अपना काम चलाता है। ऐसे ही आप जी यहाँ काल के लोक में आगे हो, और यहाँ काल के लोक में आप आकर के अपने पुण्य समाप्त करके निर्धन हो गए हो, अब आपका सब कनेक्शन कट गए हैं, ये दास आपका गारंटर बनेगा, और आपको इन सभी भगवानों को जिस जिस से आपको राहत मिलनी है, जो हमारे इस सब कमलों के अंदर हैं, इनका गारंटर बनकर आपको कनेक्शन जोड़ेगा, आपके मजदूरी आपने करके इनके टैक्स भरने हैं, इनकी इनका जो किराया देना है, जो इनका टैक्स है वो देना है। लेकिन पूजा हम सतलोक में जाने के लिए सब साधना करेंगे, क्योंकि इनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे तब हम सतलोक जा सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ करें। तो क्या बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, यानी जीवित हाजिर नाजिर वक्त गुरु से परिचित नहीं होते, संत से पत्थरों की पूजा करते फिरते हैं, मुर्दों की पूजा करते हैं। और क्या बताते हैं कि आंखों देखा हाल बता रहे हैं गरीबदास जी, श्वेत छत्र शेर मुकुट विराजे सतलोक में, परमात्मा का श्वेत छत्र है, जैसे यह छतरी आप ऊपर देख रहे हो, ये छतर और परमात्मा ने वहाँ मुकुट पहना हुआ है सतलोक के अंदर, कहते देखत ना उस चेहरे नु, हम साधना बताएंगे, इस भक्ति से आप परमात्मा के दर्शन किया करोगे,
कहते वो साधना क्यों नहीं करे, तुम निराकार बताते हो, परमात्मा साकार है। स्वेत छतर शेर मुकटे विराज देखत न उस चेहरे नो, और ऊंची थलियां खेती वो ये भूल रहे निज डेरे। अब यहाँ क्या होता है, जैसे विशेषकर क्योंकि अक्षर हरियाणा में ये वाणी बोली गई है, और क्या बताया है कि जैसे यहाँ ऊंचे ऊंचे टीबे होते हैं रेत के, और एक समतल स्थान होता है, जमीन होती है जिसको डहर बोलते हैं, और उनको थली बोलते हैं। कहते तुम थलियों पर बीज बो रहे हो, वहाँ तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा, अपने डहर को भूल चुके हो। डहर वो समतल क्षेत्र होता है, वर्षा का जल भी वहीं आकर के ठहरता है, और थलियों पर तो एक एकड़ में पहले समय की बात है कि एक मन भी गेहूं चने बाजरा ज्वार नहीं होते थे, और डहर में बो दे तो 40 मन हो जाते हैं। कहते हैं तुम उस उपजाऊ जमीन को छोड़कर जो लाभदायक है उसको ना बीज रहे, और आप ऊंची थलियों पर बीज बोए बैठे हो, तुम निर्धन हो रहे हो, तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। ये आन उपासना एक पूर्ण परमात्मा की इष्ट रूप में साधना ना करके आप थली बो रहे हो, और वो परमात्मा डहर है, यानी वो अधिक उपजाऊ घना लाभदायक है, उस परमात्मा को भूल रहे हो। ऊंची थलियां खेती बो ये भूल रहे निज डरे नो, यानी पूर्ण परमात्मा को भूल रहे हो, तुम आन उपासना करके निर्धन होते जा रहे हो भक्ति मार्ग के। फिर क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, ये संसार समझदा नहीं कंदा श्याम दोपहरे नु। ओए होए अपनात्माओं, हम यहाँ इतने दुखी हैं, और फिर भी हम काल के इस झूठे नशे में, कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड में काल ने इस झूठे सुख की, इस माया की भांग डाल रखी है। छोटी सी कोई कार हो जाए, कोई कोठी हो जाए, धरती में पानी टेकता व्यक्ति, और 2 मिनट में मृत्यु हो जाए, गधा बना पावे। ओए होए, अब हमारी सती थी ऐसी बता रहे हैं परमात्मा, जैसे कोई दोपहर के समय में मई जून के महीने में हरियाणा राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में यूपी के क्षेत्र, दिन के 12 बजे जून का महीना, और बाहर धूप में पड़ा है कोई शराब पी के, पसीना पसीना हो रहा है, रेत में भरा पड़ा है, मुंह में झाग आए हुए हैं, प्यासा मर रहा है, नशे में पड़ा है, उसको कोई कहे कि उठ भाई, खड़ा हो तू, बहुत दुखी हो रहा है, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ। और वो कहते हैं छोड़ दे, ठाट हो रहे हैं, चल अपना काम कर। तो परमात्मा कहते तुम आज इस गंदे लोक में, काल के लोक में आप इस स्थिति में हो। कहते ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में गया हुआ कचहरियों में, और वहाँ कोई रिश्तेदार आ गया कचहरियों में, दोनों हाथ मिलाते हैं, और क्या हाल है, कहे ठीक है, मौज है, रखकर चढ़िया में और मौज का के काम, मतलब महादुखी प्राणी जाते हैं दोनों, है घिघी बंदरी है, पता नहीं गवाह जा कर दे किसी गवाही होगी, और वहाँ भी नौके मौज आ रही है। परमात्मा कहते हो तुम तो उसी तरह हो जैसे वो शराब पिए पड़ा है, हम इतनी मौज मानते हैं, हम बस इतनी मौज है, ये कैन कैन की मौज है, मौज नाम की चीज नहीं, यानी आनंद नाम की, बस सुख नाम की चीज नहीं है। प्रति 21 ब्रह्मांड में कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, ईसन सुख मान रे, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब सतलोक के सुख से परिचित होकर गरीबदास साहेब जी क्या बता रहे हैं, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पहरे नु। होय होय, कहते इस समय ने याद कर कर रोया करोगे, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, एक बार हाथ से छूट गया 84 लाख योनियों में इतना कष्ट उठाओगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, शिखर दोपहर है, दोपहर की धूप जल रही है, अन्यों के इसमें भी ठंड सी है, शराब भी कह सकता है ऐसी बातें। तो हम यहाँ ऐसी स्थिति में, और गरीबदास जी कहते हैं
एक बार यू हाथ से शरीर छूट गया ना, फिर रोया करोगे ऊपर न मुंह करके। ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नो, इसलिए सत भक्ति करो और परमात्मा के चरणों में चलो, सतलोक पहुंचो। बोलो।